भाई दूध डालते कर लो। थोड़ा वक्त गिरा चर्चा वक्त गिरे यहाँ पे डबल का मीठा बना रहे हैं। बन गया पूरा गया। यहाँ पे रखिए मीठे को। खाने की तैयारी कर रही। चावल रखी चूल्हे पे और यहाँ पे चिकन है, धोने का है अभी नहीं भाई, ऐसी रखी यहाँ पे। पहले चावल चढ़ा दी चूल्हे पे, चावल पक गया था, अखनी बना देती मैं। मिठाई ना बना के रख दिए पहले से। पूरा दाल के एक साथ मिला लेते, लाल मिर्ची हल्दी
गरम मसाला, और इधर प्याज भी लाल मिर्च रखी है, लाल दे रही है मसाला, इसको लगा रही हूँ चिकन को के बगाड़ देती हूँ। सब मसाला मैं इसको लगा दी, प्याज लाल हो गई यहाँ पे, अब ये पूरा चिकन इसके अंदर डाल दूंगी। डालती मैं पानी डाल के, इसे पानी डाल के खंगाल के डाल, खाना मैं पहले से पका दी, खाली सालन बनाना था मेरे, मसाला लगेगा चावल को। इसको जरा ढक के पका दो, नहीं पके तो यहाँ पे सालन पक रहा, देखो थी ढाक के पके नहीं, जब 15 मिनट से ढाक के रखी थी इसको, ये देखो ये सालन भी अच्छा बनता, आसान भी है, रोटी में भी खा सकते अपन, चावल में भी खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बाद में नींबू डालती हूँ, दम पे रखे पर डालती नींबू का जूस निकाल के, अब इसे नहीं डालती। धीमे पे रखती हूँ, सालन पक गया, चूल्हा बंद कर देती हूँ, देखो रेसिपी बन गया, 4 हरी मिर्चियाँ डाली मैं इसमें, धीमे पे रखती 10 मिनट। सालन बन गया तो मैं नींबू का जूस डाली, डाल के अच्छे से पूरा पक गया सालन, अब डाली मैं जूस इसके अंदर, नहीं डाली थी, नींबू का जूस अब भी डाली, 5 मिनट पका के निकाल देती हूँ, पक गया पूरा, तीरा भी आ गया देखो अच्छे से, तीरा छोड़ दिया, पूरा तेल आ गया अच्छे ऊपर, भाप पक गया, मैं नींबू का जूस डाली बोल के 5 मिनट और पका ले रही इसको, अच्छा तो तेल छोड़ दिया पूरा, साइडों में से तेल लगता है, सब अच्छा पक के तीरा छोड़ दिया, यहाँ पे सालन पक गया, मैं दस्तर बिछा रही हूँ, खाना खाने के वास्ते सालन निकाल रही हूँ, बन गया सालन, तो दस्तर बिछा ली।